सो वेलकम गाइस, आज हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग मेटा कीवर्ड जनरेटर जो टूल है उसकी स्क्रिप्ट ब्लॉगर में है, और ये मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप इसको स्क्रिप्ट को सिंपली कॉपी पेस्ट करें। इसमें मैंने अपनी कोई वेबसाइट की यूआरएल नहीं दी है, ओके, और अगर मैं दिया भी होगा तो उसको रिमूव कर दूँगा। अगर आपको कॉपीराइट का क्रेडिट देना है तो एक्चुअली ये स्क्रिप्ट ना मुझे मिली थी, मैं सिंपली बता रहा हूँ, बट वो जैसी मिली थी ना उसका फॉन्ट अच्छे नहीं थे और बहुत कुछ डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं था। सो मैंने उसको अपने एंड से बहुत अच्छा इम्प्रूव कर दिया है। डिज़ाइन वगैरह में भी वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम घटिया है, बट स्टिल यू विल फील कि हाँ, एक बहुत अच्छा डिज़ाइन आपने अपडेट किया है उस स्क्रिप्ट में। सो बहुत देर हो गई है, मैं आपको डायरेक्ट अब दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो मैं कैमरा स्विच करता हूँ। सो या ये मैंने गूगल खोल लिया है और एक्चुअली मैंने होस्ट कर दिया, तो मैं आपको सिंपली अपने ब्लॉग में लेके चलता हूँ। सो मेटा टैग, जस्ट सेकंड। सो ये मैंने टूल को रीडिज़ाइन कर दिया है। सिंपल सा ये, आपको सिंपली यहाँ पर टाइटल देना है ब्लॉग का, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, लैंग्वेज, कंट्री, और रोबोट टेक्स्ट का हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि आपने इंडेक्स मोड में ही रखना है या ऑल में रखना है। तो सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉपी टेक्स्ट का भी बटन है, यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट प्रिंट होगी, और गेट स्क्रिप्ट का मैंने बटन रखा है ताकि आप लोग भी स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकें। सो ये है metatag.newsandtrick.in, ये डोमेन अभी है अवेलेबल, और स्क्रिप्ट है वो गूगल ड्राइव की लिंक में है, तो मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो अब जिन लोग को नहीं पता ये टूल काम कैसे करता है, तो उन लोग के लिए मैं एक बेसिक सा आइडिया दे दूँ। मेटा कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके वेबसाइट को रैंक कराने में काम आते हैं। सपोज़ अगर आपका मेटा टाइटल होंगे, तो मेटा टाइटल कैसे काम करता है, आपका मान लीजिए एक वेबसाइट का नाम है, लेट सपोज़ क्या करें, मान लीजिए आपका एक कॉलेज का नाम है, ठीक है। सपोज़ अगर कॉलेज का नाम बहुत लंबा है और आपको उसको शॉर्ट में भी रखना है, यार मैं कुछ और ही एग्जांपल देता हूँ, कोई भी लंबा चीज़ को शॉर्ट अगर किसी और नाम से भी आपको पुकारना है, जैसे आपके वेबसाइट का नाम है राहुल और आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है टाइटल पिंटू की टाइटल पे भी, ऐसा एकदम घटिया एग्जांपल है बट स्टिल, तो आप यहाँ पर मेटा टाइटल जो है वो पिंटू रखेंगे, ओके। सो ऐसे एक काम होता है मेटा टाइटल का। या आप अगर और अच्छे से राहुल पे ही अपना रैंक कराना चाहते हैं तो आप मेटा टाइटल भी राहुल ही रखेंगे, अपने वेबसाइट का नाम जो है वो यहाँ पुट कर देना। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 150 वर्ड्स का ही प्रेफर होता है, मैंने यहाँ टाइटल रख दिया, मैं इसको फिक्स कर दूँगा, ओके, यहाँ मैं इसको ठीक कर लूँगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स यानी आपको जिन कीवर्ड्स पे अपने वेबसाइट्स को रैंक कराना है उसे हम लोग मेटा कीवर्ड्स पे काउंट करते हैं। ऑथर यानी कौन वेबसाइट डिज़ाइन किया, आप अपना नाम डाल दीजिए। लैंग्वेज में अगर आपका इंग्लिश में लैंग्वेज है तो EN-GB विच इज़ ग्लोबल, तो इंग्लिश ग्लोबल रिप्रजेंट करता है। कंट्री, आप सिंपली अपना कंट्री का नाम डाल दीजिए, मेरे ख्याल से इंडिया ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो मेरी YouTube वीडियो भी इंडिया से ही रैंक करेगी आई गेस। और रोबोट में सिंपली आपको जो पेज को इंडेक्स कराना है तो इंडेक्स में रखना, नो इंडेक्स में नो इंडेक्स रखना। फॉलो मींस आपका जो है वो आई गेस आपको पता होगा, जब सर्च कंसोल में क्रॉल होता है तो फॉलो जो है वो आपके हर एक लिंक को फॉलो करता है, ओपन कर करके देखता है कि आपने कौन सी लिंक अपने वेबसाइट में डिफाइन किए। नो फॉलो मतलब आप चाहते हो कि वो लिंक्स को इंडेक्स कर दे बट उसको उसका लिंक जूस को यूज़ ना करे एज, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर गेट दबाएंगे तो फिर यहाँ पर गेट में आ जाएगा, ओके, और मैं टाइटल को भी हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं अपनी वेबसाइट को ले लूं तो मेटा टैग नाम में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन मेटा कीवर्ड जनरेटर,
ये ऐसे करके कुछ कुछ हो जाएगा, बहुत मेंट अटैक। सो ऐसे करके बहुत लंबा हो जाएगा ये, और ऑथर में अपना नाम, फिर कंट्री में लैंग्वेज और ये सब सेलेक्ट करके सिंपली गेट में दबाऊंगा, तो यहाँ मेटा टैग आ जाएगा। कॉपी टेक्स्ट करने के लिए कॉपी टेक्स्ट में दबाएंगे तो ये सिंपली कॉपी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको जाके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, और ये इसके स्क्रिप्ट है। आप चाहें तो इसको अपने वेबसाइट में भी एम्बेड कर सकते हैं सिंपली। और इस वीडियो के लिए इतना ही था, और मैं आगे और सारी स्क्रिप्ट शेयर करूंगा, और आपको ब्लॉगर में कैसे अपना रैंक इम्प्रूव करना है वो सब भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।